यो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आ चुकी है रोप हीरो की नई अपडेट, और जो अभी आप रोप हीरो के हाथों में देख रहे हैं दोस्तों, यह है हैंड्स ऑफ हरक्यूलेस। जी हाँ दोस्तों, ये हरक्यूलेस के हाथ हैं, बहुत ही पावरफुल। जब हम जमीन पे मारते हैं तो वहाँ खड़ा हर इंसान हवा में उड़ जाता है, इतनी पावर है इन हाथों में। तो दोस्तों, इससे पहली वाली अपडेट में आए थे हैंड्स ऑफ थोर। जी हाँ दोस्तों, थोर के हाथ आए थे पिछली वाली अपडेट में, जिनसे बिजली निकलती थी। जी हाँ दोस्तों, करंट निकलता था, तो दोस्तों उस करंट से सामने खड़ा इंसान हर कोई मर जाता था, और ये थोर के हाथ हैं, ये भी सामने वाले को एक पंच में ही मार देते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो इन्हीं दोनों के बारे में है, दोनों के कंपैरिजन में। हम आ चुके हैं अरेना में, और अभी हम अरेना के अंदर जाकर दोस्तों बिग बॉस और जोम्बी से लड़ाई करने वाले हैं। हम दोनों हाथों को यूज़ करेंगे। जी हाँ दोस्तों, एक तो हरक्यूलेस वाले जो पावरफुल हाथ है इनका भी यूज़ करेंगे, और दुश्मन का सामना करने के लिए हम थोर के हाथों का भी यूज़ करेंगे, और देखते हैं दोनों में सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन है। अरे रोप हीरो, तुम आज ये हाथों में क्या पहन कर आए हो? अच्छा भाई, ये है हरक्यूलेस के हाथ, ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, और मैं आज इनको पहन के आया हूँ तेरे बिग बॉस को मारने के लिए। मैं इन हाथों को पहनकर तेरे बिग बॉस को और सारे ज़ॉम्बीज़ को मारने आया हूँ। अच्छा, तुझे लगता है तू इन हाथों को पहन के बिग बॉस को मार देगा? अरे तेरी भूल है रोप हीरो, तू नहीं मार सकता उनको, वो बहुत पावरफुल है। और अगर तुझे इतनी ही जल्दी है लड़ाई की, तो जा अंदर और कर ले बिग बॉस से मुकाबला। देखता हूँ मैं भी कौन जीतता है, तू या बिग बॉस। हाँ हाँ, मैं अभी एकड़ी निकाल के आता हूँ तेरे बिग बॉस की। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से चलते हैं अंदर और करते हैं बिग बॉस से मुकाबला, और उसी के साथ साथ हम ज़ॉम्बी से भी मुकाबला करने वाले हैं इन हरक्यूलेस के हाथों के साथ। जी हाँ दोस्तों, अभी हमारी एंट्री होने वाली है अरेना में, और दोस्तों हम पहुंच चुके हैं अरेना के अंदर। यहाँ दोस्तों हमें बिग बॉस से भी फाइट करनी है और ज़ॉम्बी से भी। तो उससे पहले मैं थोड़ी सी हेल्थ बढ़ा लेता हूँ दोस्तों, क्योंकि अभी हम पहली बार हरक्यूलेस के हाथों से लड़ाई करने वाले हैं बिग बॉस के साथ, तो पता नहीं क्या सीन होने वाला है, इसके लिए हेल्थ सबसे जरूरी है। तो दोस्तों, हमने सेलेक्ट कर लिया बिग बॉस को, और बिग बॉस आ चुका है। यही है दोस्तों हमारे बिग बॉस अरेना के, और अभी हम इनसे तेरी भाई बिग बॉस ने तो आते ही मेरी बैंड बजा दी है यारो। लेकिन कोई नहीं, अभी हमने हमला किया ही नहीं, पहले बिग बॉस को चांस दिया, ये हमारा हमला। लेकिन बिग बॉस के कोई फर्क नहीं पड़ा दोस्तों, ये साइड में आप देख सकते हैं बिग बॉस की हेल्थ को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन बिग बॉस तो हमारी हेल्थ की बैंड बजाते जा रहे हैं। यार ये हो क्या रहा है? अबे हरक्यूलेस के हाथ काम क्यों नहीं कर रहे इसके सामने? अभी बिग बॉस की जगह कोई और होता तो भाई हवा में उड़ जाता, लेकिन बिग बॉस के तो बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा यार, ये तो मेरी हेल्थ की बैंड बजाते जा रहा है। दोस्तों देखा आपने, हरक्यूलेस के हाथ बिल्कुल फुल तरीके से फेल हो चुके हैं बिग बॉस के सामने, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मुझे यहां से भागना पड़ रहा है यार। ये क्या हो रहा है यार, मैं बार बार हमला कर रहा हूं बिग बॉस पे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा बिग बॉस को, यार मैं तो मर ही जाऊंगा। अबे ये क्या कर रहा भाई बिग बॉस, थोड़ी तो रहम कर, अबे पीछे जाके भी नहीं मारने दे रहा मेरे को एक बार भी। यार भाई बिग बॉस सॉरी भाई, गलती हो गई यार। दोस्तों हमने तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गई हमारे सामने, ये अब हम क्या करेंगे यार? हरक्यूलेस के हाथ पे कुछ अंधा विश्वास कर लिया हमने, हरक्यूलेस के हाथ ने तो हमें आज पिटवा दिया यार, इनमें बिल्कुल भी ताकत नहीं है बिग बॉस का सामना करने की। यार मैं तो मरता जा रहा हूँ, बिग बॉस मुझे एक सेकंड का चांस नहीं दे रहा। देखो दोस्तों, मैं बिग बॉस पे मार रहा हूं, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा बिग बॉस की हेल्थ को। तो दोस्तों हमें जल्दी से हाथ चेंज करने होंगे, हमें लेने होंगे थोर के हाथ, वरना ये बिग बॉस के हाथ तो हमारी बैंड बजवा देंगे। तो दोस्तों हमने जल्दी से हरक्यूलेस के हाथ हटा दिए, और अब थोर वाले हाथ पहन लिए हैं। दोस्तों इनसे बिजली निकलती है, तो शायद ये बिग बॉस का मुकाबला कर सके, मुझे ऐसा लग रहा है। पहले मुझे बिग बॉस से थोड़ा दूर जाना हो। ओ तेरी, दोस्तों कुछ तो है इन हाथों में, कुछ ज्यादा ही ताकत है दोस्तों हरक्यूलेस के हाथों के मुकाबले। ये देखो बिग बॉस की हेल्थ अब कम होने लगी है, ये देखिए दोस्तों, जैसे ही मैंने बिग बॉस पे हमला किया बिग बॉस की हेल्थ कम होने लगी है। इतनी देर से यार हम हरक्यूलेस के हाथ से बिग बॉस का मुकाबला कर रहे थे, लेकिन बिग बॉस को कोई फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन हरक्यूलेस के हाथों से ज्यादा पावरफुल हैं थोर के हाथ। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा हमने जैसे ही थोर के हाथ पहने, बिग बॉस की हवा टाइट होने लग गई है, बिग बॉस की हेल्थ आधी से भी कम कर दी है हमने थोर के हाथ पहनते ही। पहले हरक्यूलेस के हाथ पहन रखे थे, तो बिग बॉस के बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा था उनसे, क्योंकि बिग बॉस बहुत ज़्यादा पावरफुल है दोस्तों। बिग बॉस को सिर्फ थोर के हाथों से ही मारा जा सकता है दोस्तों, हरक्यूलेस के हाथों में इतनी पावर नहीं है कि वो बिग बॉस का मुकाबला कर सके। लेकिन थोर यार, सच में थोर तो यार बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, उसके हाथों में इतनी पावर है कि हम भी पहन के बिल्कुल थोर की तरह बन चुके हैं, एकदम स्ट्रॉन्ग और पावरफुल। दोस्तों बस कुछ ही देर में अब इस बिग बॉस की
पत्ती गुल होने वाली है। बस मुझे एक मौका तो मिले इस पे हमला करने का। बस दोस्तों अब बिग बॉस मर गया। दोस्तों देखा आपने, बिग बॉस को मारने के लिए थोर के हाथ ही काम आए। हरक्यूलस के हाथों में इतनी पावर नहीं है दोस्तों, वो सिर्फ नॉर्मल लोगों का मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन चलिए अब एक चांस देते हैं जोम्बिस को, देखते हैं दोस्तों जोम्बिस के लिए थोर के हाथ काल बनते हैं या फिर हरक्यूलस के। ज़्यादा पावरफुल कौन रहता है, हरक्यूलस के हाथ या थोर के हाथ? जोम्बिस के सामने हमने बिग बॉस में तो देख ही लिया, बिग बॉस में थोर के हाथ विनर रहे हैं, यहाँ कौन विनर रहता है देखते हैं। यार यहाँ भी हरक्यूलस के हाथ से पहले हमने थोर के हाथ को आजमाया है, तो देखो थोर के हाथ यार काफ़ी पावरफुल है। अब देखते हैं हरक्यूलस के हाथों में कितनी पावर आती है। दोस्तों थोर के हाथों में तो इतनी पावर है कि इसने इतनी जल्दी सारे जोम्बिस को कंकाल बना दिया। लेकिन अब हमने पहन लिया है हरक्यूलस के हाथ, और अब देखते हैं यार इनमें भी काफी ताकत है। दोस्तों देखा मजा सा ही आ गया, बिग बॉस तो नहीं उड़ रहा था हवा में, लेकिन जोम्बिस तो सारे हवा में। ये देखो दोस्तों क्या बात है यार, शानदार यार, यहाँ सच में मजा आ रहा है हरक्यूलस के हाथ पहनकर जोम्बिस को मारने में। लेकिन आप देख रहे हैं वाओ यार दोस्तों, काफी मस्त लग रहा है। मतलब यहाँ पर तो हरक्यूलस के हाथों ने बल्ले बल्ले कर दिए दोस्तों, सारे जोम्बिस को हवा में उड़ा देते हैं। लेकिन यार ये जोम्बिस कम क्यों नहीं हो रहे, ये सिर्फ थोड़ी दूर जाके गिरते हैं और बेहोश हो जाते हैं, फिर उठ के आ जाते हैं। यार ये मर क्यों नहीं रहे? दोस्तों हरक्यूलस के हाथों से जोम्बिस कुछ देर के लिए बेहोश हो रहे हैं, हवा में उड़ रहे हैं, देखने में अच्छा लग रहा है, लेकिन ये जान से नहीं मर रहे, मतलब पूरी तरीके से मर नहीं रहे हैं, सिर्फ बेहोश होते हैं और फिर उठ के आ जाते हैं। लेकिन अगर इसी की जगह अभी हमने जब थोर के हाथों से इन पर हमला किया था तो सारे कंकाल बन गए थे एक ही बार में। दोस्तों इसका मतलब यहाँ भी अगर पावर के बारे में बात की जाए तो हरक्यूलस के हाथों में उतनी ताकत नहीं है जितनी कि थोर के हाथों में थी। दोस्तों थोर की तो ताकत ही कुछ अलग थी, वो तो सेकंड्स में ही सामने वालों को कंकाल बना देता है दोस्तों। लेकिन ये जोम्बीज तो हरक्यूलस के हाथों से मर भी नहीं रहे, देख रहे हो आप फिर से खड़े हो जाते हैं। इन्हें अब इस दरिया में कुदा कुदा के ही मारना होगा। जी हाँ दोस्तों, इनको इस आग की बहती दरिया में गिरा देंगे हम सारे जोम्बीज को। हाँ ये अच्छा लग रहा है जब हम जमीन पे मारते हैं तो सारे जोम्बिस हवा में उड़ते हैं, ये नज़ारा देखने लायक है। लेकिन दोस्तों अगर हमें अरेना कंप्लीट करना हो और हम सिर्फ हरक्यूलस के हाथों के भरोसे आ जाएं तो दोस्तों हमारी बैंड पक्की बजी हुई है, बिग बॉस ही हमें मार देगा, हम जोम्बिस का क्या ही मुकाबला करेंगे। दोस्तों बिग बॉस पे तो हरक्यूलस के हाथों का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, जोम्बिस पे भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। देखिए इस एक जोम्बिस को मैं कितनी देर से मार रहा हूँ, 3-4 बार मारने के बाद वो मरा है दोस्तों, एक बार में मरा भी नहीं। ये देखिए इसको भी 2 बार मारा और तीसरी बार में जाके ये मरा है दोस्तों। 3 बार मारने पर एक जोम्बी मर रहा है, तो काफ़ी मतलब आप समझ सकते हैं इसमें इतनी पावर नहीं है जितनी कि थोर के हाथों में है। दोस्तों थोर के हाथ ही सबसे ज़्यादा पावरफुल हैं दोस्तों, ये तो बात बिल्कुल समझ में आ चुकी है हम लोगों को। तो दोस्तों मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो हरक्यूलस से ज़्यादा पावरफुल है थोर। जी हाँ दोस्तों, थोर के हाथों में कुछ ज़्यादा ही पावर है हरक्यूलस के हाथों से। तो दोस्तों मेरी तरफ से विनर है थोर। आप लोगों का क्या ओपिनियन है आप कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। लेकिन अभी मैं एक मस्त ट्रिक बता रहा हूँ आप लोगों को जोम्बिस को मारने के लिए। इस आग के दरिया के पास आके खड़े हो जाओ, सारे जोम्बिस आके अपने आप ही मर जाएंगे। देखो दोस्तों किस तरीके से ये खुद की जान पर खुद ही मतलब दाव लगा रहे हैं दोस्तों आग के अंदर आके। मैं तो आ गया, मैंने हेल्थ किट ले रखे हैं कुछ, जिनसे कि मेरी हेल्थ काफ़ी कम डाउन हो रही है, लेकिन ये लोग तो फटाफट से मरते जा रहे हैं दोस्तों। लेकिन अभी ये क्या है यार, ये जो मोटे हैं ना मीट माउस, क्या बोलते हैं इनको यार, मिस्टर मीट, हाँ ये तो यार मुंह के अंदर बम लेके चलते हैं। और ये देखो इनके बम किस तरीके से ब्लास्ट होते हैं, खुद तो मरते हैं ये साथ में अपने 3-4 जोम्बिस को और लेके मरते हैं दोस्तों। काफ़ी शानदार इंटरेस्टिंग अपडेट आई है ये जोम्बिस में। और अभी मैं फिर से आग के दरिया में आ गया हूँ, क्योंकि यहाँ अगर ये लोग आएंगे तो जल्दी से मर जाएंगे दोस्तों। तो इन्हें मारने के लिए मुझे आग के दरिया में ही रहना पड़ेगा कुछ देर के लिए दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो हम ज़्यादा लंबी नहीं करने वाले, अरेना को अभी आज नहीं जीतना है हमें। हमारा सिर्फ वीडियो था हरक्यूलस के हाथ वर्सेस थोर के हाथ दोस्तों। तो आपने देखा कौन है सबसे ज़्यादा पावरफुल, हरक्यूलस के हाथ या फिर थोर के हाथ, ये अब आप लोग कमेंट करके बताना दोस्तों। मुझे तो थोर ही विनर लगा, मेरे हिसाब से थोर ही है विनर दोस्तों। उसके हाथों में यार जो बिजली निकलती है ना, उससे सामने वाला चंद सेकंड्स में मरता है। तो चलिए दोस्तों जल्दी से चलते हैं अरेना के बाहर और हम इंतज़ार करते हैं कि आप किसे विनर बनाते हैं। मेरे लिए तो थोर ही विनर था, है और रहेगा दोस्तों। तो चलिए जल्दी से बाहर चलते हैं और चल के पहले तो उसको मारते हैं, वो जो बाहर खड़ा था बोल रहा था ना कि बिग बॉस तुझे देख लेगा, बिग बॉस ज़्यादा पावरफुल है। देखो दोस्तों थोर के हाथों में इतनी भी पावर नहीं है कि ये इन लैंप्स को उड़ा सके,
वैसे ये लैंप्स यहाँ पर ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि इन्हें नीचे से बोल्ट पाने से कसा हुआ है दोस्तों। ये लो दोस्तों, हम पहुँच चुके हैं इसके पास। क्यों बे, तू तो कह रहा था तेरा बिग बॉस बड़ा पावरफुल है, मैंने तो उसकी बत्ती गुल कर दी और तू यहाँ बस कॉफी पीता रहा। हाँ, देखा है मैंने, तूने उसकी बत्ती गुल की, लेकिन ये हरकुलस के हाथ पहन के नहीं, तूने थोर के हाथों का सहारा लिया। अबे तू ज्यादा बोलता है, ये ले। तो दोस्तों हमने इसे दिखा दिया है हरकुलस के पावर। जी हाँ दोस्तों, हरकुलस के हाथों में कितनी ताकत है इसको हमने बहुत अच्छे से सिखा दिया है। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, ज़्यादा पावरफुल कौन है। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।